इंडेक्स इंडिया में फिर से आप लोगों का स्वागत है। मैं आपको एक इंटरनेट से जुड़ी हुई न्यूज लेके आया हूँ। पूरी दुनिया के इंटरनेट यूजर्स अगले 24 घंटे में कभी भी नेटवर्क फेलियर जैसी दिक्कत का सामना कर सकते हैं। टेक विशेषज्ञों के मुताबिक साइबर हमलों से निपटने के लिए दुनिया के मुख्य डोमेन सर्वर की मेंटेनेंस की जाएगी। दुनिया के मुख्य डोमेन सर्वर में .com, .in, .org आदि से जुड़ी वेबसाइटें डाउन रह सकती हैं। दुनिया की अधिकतर वेबसाइट काम नहीं करेगी, तो इसके लिए आप तैयार हो जाइए। ऐसा हो तो समझ जाइए कि मेंटेनेंस का काम चल रहा है। रूस की एक अखबार रशिया टुडे के मुताबिक सभी डोमेन सर्वर का नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर दुरुस्त किया जाएगा। ऐसे में कुछ समय तक पूरी दुनिया की अधिकतर वेबसाइट काम नहीं करेगी। अगर ऐसा हो तो थोड़ा सा सब्र रखें। रिपोर्ट में बताया गया है कि इंटरनेट कॉरपोरेशन असाइंड नेम्स एंड नंबर्स, जिसका शॉर्ट फॉर्म है ICANN, मेंटेनेंस के दौरान क्रिप्टोग्राफी की में भी बदलाव करेगा। इससे इंटरनेट एड्रेस बुक और डोमेन नेम सिस्टम की सुरक्षा प्रणाली ज्यादा मजबूत होगी। साथ ही साइबर हमलों का असर वेबसाइट पर नहीं पड़ेगा। ICANN के मुताबिक साइबर हमलों से बचने के लिए यह काफी जरूरी कदम है। कम्युनिकेशन रेगुलेटरी अथॉरिटी CRA ने स्पष्ट किया कि इंटरनेट शटडाउन से उन 36 लाख यूजर्स को दिक्कत होगी जिसके नेटवर्क ऑपरेटर और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इस बदलाव के लिए तैयार नहीं होंगे। उन्होंने बताया कि अगर इंटरनेट यूजर्स पुरानी ISP इस्तेमाल कर रहे हैं तो उन्हें अगले 48 घंटे तक वेब पेज एक्सेस और किसी भी तरह का ट्रांजेक्शन करने में दिक्कत हो सकती है। ये दिक्कत आपको अगर होती है, जैसे आप बैंक का ट्रांसफर कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या अपलोडिंग वगैरह कर रहे हैं, अगर आप वेबसाइट डेवलपर हैं, अगर आप अपलोड कर रहे हैं तो हो सकता है कुछ फाइलें अपलोड हो, कुछ ना हो, तो इस बात का ध्यान रखें। जानिए क्या होती है क्रिप्टोग्राफिक की यानी चाबी, जिसमें बदलाव करके रोके जाएंगे साइबर अटैक। दुनिया भर में हो रहे साइबर हमलों को रोकने के लिए अब एक नई पहल होने जा रही है। क्या होती है क्रिप्टोग्राफिक की? क्रिप्टोग्राफिक का मतलब होता है कि किसी भी डेटा और इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट रखना। इसके जरिए डेटा को सीक्रेट कोड में बदला जाता है, जिसको सिफर टेक्स्ट कहा जाता है। सिफर का हिंदी शाब्दिक अर्थ होता है गुणक लेख, और इस डेटा को सिर्फ वही पढ़ सकता है जिसके पास इसको डिक्रिप्ट करने का सीक्रेट की होगी। क्रिप्टोग्राफिक का इस्तेमाल ईमेल, मैसेज, क्रेडिट, डेबिट कार्ड डिटेल्स और अन्य जरूरी जानकारियों सुरक्षित रखने के लिए किया जाता है। इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन दो तरह की प्रोसेस होती है। इंक्रिप्शन में प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में बदला जाता है, जबकि डिक्रिप्शन सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदला जाता है। क्रिप्टोग्राफी में इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन क्या होती है, ये भी मैं आपको बता देता हूँ। इंक्रिप्शन, याद रखिए, इंक्रिप्शन इसमें किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को एक से सीक्रेट कोड में बदला जाता है ताकि इसे कोई पढ़ नहीं सके। इस बदले हुए डेटा को सिफर टेक्स्ट कहा जाता है। इसे सिर्फ वही समझ या पढ़ सकता है जिसके पास डिक्रिप्ट करने की होगी, यानी चाबी होगी। डिक्रिप्शन क्या होता है? इस प्रोसेस में इंक्रिप्टेड डेटा को सिफर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बदला जाता है। जैसे ही डेटा सिफर टेक्स्ट से प्लेन टेक्स्ट में बदला जाता है तो उसे पढ़ा जा सकता है। दो तरह की ये होती है क्रिप्टोग्राफी, दो तरह की। सिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए एक ही की होती है, जिसका इस्तेमाल करके किसी भी डेटा या इंफॉर्मेशन को इंक्रिप्ट या डिक्रिप्ट किया जा सकता है। एसिमेट्रिक क्रिप्टोग्राफी, इसमें इंक्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए अलग अलग चाबी होती है, की होती है। मतलब इंक्रिप्शन के लिए पब्लिक की और डिक्रिप्शन के लिए प्राइवेट की का इस्तेमाल किया जाता है। तो यह जानकारी आप लोगों को कैसी लगी? थोड़ा सा हिंदी इसका बड़ा, हिंदी और इंग्लिश दोनों का कॉम्बिनेशन था, इसलिए थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में थोड़ी सी दिक्कत आई थी, फिर भी मैंने बहुत ही बढ़िया कोशिश किया। आप लोगों को कैसा लगा प्लीज कमेंट करके बताएं। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम और भी अच्छे वीडियो ला सकें। अगर आपका कोई सजेशन हो तो वो भी कमेंट करके बताएं, ताकि हम आपको इससे बेहतर वीडियो दे सकें। थैंक्स फॉर द वॉचिंग, हैव ए नाइस डे। वंदे मातरम।